नेचुरल लाइफस्टाइल परिवार के सभी सदस्यों को नव वर्ष के शुभ आगमन पर, नवरात्रों के आरंभ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी भारतीय संस्कृति में नवरात्रे वर्ष में दो बार आते हैं। हमारे पूर्वज महान हेल्थ साइंटिस्ट थे, उन्होंने नवरात्रों का समय उस समय में उस ऋतु में निर्धारित किया कि इस समय ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, इस कारण उपवास करना सरल होता है। नवरात्रों में हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोग उपवास करते हैं। उपवास करने से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाती है, आने वाले 6 महीने के लिए स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इन दिनों में लोगों को वायरल फीवर होता है, नज़ला जुकाम बुखार होता है। अगर हम इन दिनों में उपवास करें तो हमारा नज़ला जुकाम बुखार बिना किसी दवाई के अपने आप ठीक हो जाता है। मगर हम भारतीय इस पूर्वजों की महान देन से लाभ नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि हमने उपवास करने के तरीके को गलत अपनाया। हम नवरात्रों के दिनों में उपवास वाले दिन चाय, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, खोया बर्फ़ी और कुट्टू के पकोड़े आदि खाते रहते हैं, इस भरम के साथ कि इसमें अनाज नहीं होता। ये सब तो अनाज से भी भारी हैं। अगर हम प्राकृतिक जीवन शैली के तरीके से उपवास करें तो हम निश्चित रूप से बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं। नवरात्रों में उपवास करने की विधि, पहले 1-2-3 दिन के लिए जब तक आप रह सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, केवल पानी पानी पर रहें। जब आपको लगे कि मैं पानी पानी पे नहीं रह सकता तो आ जाइए रसाहार 1-2-3 दिन के लिए। रसाहार में आप सफ़ेद पेठे का रस ले सकते हैं, हरा नारियल पानी डाब, कच्ची सब्जियों के रस और सब्जियों के सूप बिना नमक मिलाए, ये सब पदार्थ आप रसाहार में ले सकते हैं। जब आपको लगे 1-2-3 दिन के बाद कि मैं तो रसाहार पे भी नहीं रह सकता तो फिर कीजिए उपवास कच्ची सब्जियां, पक्के फलों पे। वो विधि क्या है? सुबह के वक्त में सफ़ेद पेठे का रस, दोपहर में कच्चे सलाद कच्चे नारियल की गिरी के साथ, शाम को 4 बजे नारियल पानी या सब्जियों का सूप, रात्रि के भोजन में फल, कच्ची सब्जी पक्के फल। अगर आप पूर्ण उपवास, पानी पानी का उपवास या रसाहार वाला उपवास नहीं भी कर सकते तो भी डरने की कोई बात नहीं, पूरे नवरात्रे कच्ची सब्जी पक्के फलों पे उपवास करें। अगर आप इस विधि से उपवास करते हैं, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अगर हम नवरात्रों के उपवास करेंगे हमारा वजन कम हो जाएगा। आप नेचर में देखें, हमारे पेड़ पौधे इस समय पत्ते झाड़ रहे हैं। पेड़ पौधे हमें ये संदेश दे रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा अब पेड़ पौधा अच्छा नहीं लग रहा है, कमज़ोर सा लग रहा है, थोड़े समय के बाद ये हरा भरा होने वाला है। ठीक ऐसे ही नवरात्रों के दिनों में उपवास के दौरान अगर थोड़ा वजन कम भी हो गया तो डरने की कोई बात नहीं, आगे चल के हम फिर हरे भरे होने वाले हैं। एक बार फिर हम अपने नेचुरल लाइफस्टाइल परिवार के सभी सदस्यों को नववर्ष के आगमन पर, नवरात्रों के शुभ आरंभ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।